गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ये हमारी इंग्लिश का लास्ट चैप्टर है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. व्हाट एनिमल्स डू, ये एक सॉन्ग के रूप में एनिमल्स की आवाज़ों के बारे में बताया गया है. ये शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने आपके घर में, आपके घर के आसपास आपने कई जानवर देखे होंगे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कुत्ता देखा होगा या गाय देखी होगी, घोड़ा भी आते जाते कभी कभार देखा ही होगा, गधा भी देखा होगा, या फिर बर्ड्स होते हैं अलग अलग, जैसे क्रो है, कौवा है, चिड़िया है, कबूतर है, या आपने हेन देखी होगी, मुर्गी देखी होगी, मुर्गा देखा होगा, चूहा. तो आपने इन सब की आवाज़ें सुनी होगी और मुझे ये भी पता है कि आपको इन सब की आवाज़ें भी पता होगी, क्योंकि हम बच्चे जो होते हैं ना, हम सबकी आवाज़ों का नकल करते हैं. ये तो बात सच है ना बच्चों? तो हमें ये सब आवाज़ें पता होगी. तो अब आप मुझे बता सकते हो कौवा जो होता है वो कैसे आवाज़ निकालता है, क्या कहता है कौवा? काव काव काव. और मुर्गा कुकुड़कू, ऐसी आवाज़ निकालता है ना. आपको भी ये आवाज़ें आती है ना? तो आप मुझे ये आवाज़ें जिस जिस जानवर की, जिस भी बर्ड या एनिमल की आपको आवाज़ आती है, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप करके, रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है? तो अब हम ये पोइम पढ़ेंगे. ये जो ये है पोइम है, ये सॉन्ग है, ये लिखा है गुलाम हसन वार ने. तो ये उन्होंने बच्चों के लिए ही पोइम लिखी होगी. तो अब हम ये पढ़ना शुरू करते हैं. हेलो हेलो डू यू नो क्रोस का एंड कॉक्स क्रो. इसका मतलब है हेलो हेलो, आदाब आदाब, क्या आपको पता है कौवे काव करते हैं और जो मुर्गे होते हैं वो क्रो करते हैं. काव मतलब जो कौवे की आवाज़ है उसको काव कहते हैं, और कॉक मुर्गा जो उसकी आवाज़ है, जो वो बांग देता है, उसको क्रो कहते हैं, ठीक है? हेलो हेलो डू यू नो क्रोज का एंड कॉक्स क्रो. अब सारे मेरे साथ जब आप ये पोइम सॉन्ग पढ़ोगे, सुनोगे, तब मेरे साथ साथ बोल देना आप भी, काव काव कुकुड़कू कुकुड़कू. व्हाट वुल्व्स डू कैन यू टेल, यस यस दे मेक येल. तो आपने भेड़िया भी, भेड़िए की आवाज़ सुनी होगी. भेड़िया तो नहीं देखा होगा, तो जंगल में होता है, बहुत दूर ऊपर अंदर अंदर बहुत गहरे जंगल में होता है, तो लेकिन आवाज़ें कभी कभार सुनी होगी. वो भी जैसे कि जिकाल वगैरह करते हैं या फॉक्स वगैरह करते हैं, या कभी कभार जैसे कुत्ता भी, जब हम कहते हैं ये रो रहा है कुत्ता, तो मुंह ऊपर की तरफ आवाज़ निकालता है, ऐसी सी आवाज़ भी भेड़िया निकालता है. व्हाट वुल्व्स डू कैन यू टेल, यस यस दे मेक येल. क्रोज मू एंड पिजन्स कू, काउज मू एंड पिजन्स कू, फ्लाइज बज व्हेन दे मू. काउज मू एंड पिजन्स कू, फ्लाइज बज व्हेन दे मू. अच्छा, अब आगे गाय. गाय तो हम सबके घर में है, तो गाय क्या आवाज़ निकालती है? है ना? तो गाय की आवाज़ को क्या कहते हैं? मू. एंड पिजन्स कू, तो पिजन्स क्या कहते हैं? ऐसी सी आवाज़ निकालते हैं ना, तो ये हो गए पिजन्स कू. तो जो उनकी आवाज़ होती है उनको कहते हैं कू. तो काउज मू एंड पिजन्स कू, फ्लाइज बज व्हेन दे मू. और फ्लाई जब मक्खी होती है या कोई और ऐसी मक्खी, जैसे बहुत किस्म की मक्खियाँ होती हैं, तो जब वो उड़ती हैं या आवाज़ करती थी, कैसी करती है, ऐसे आवाज़ निकालती है ना, तो इसको कहते हैं बज करना. तो फ्लाइज बज करती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं उनकी आवाज़ को बज कहते हैं. तो फ्लाइज बज व्हेन दे मू, जब उड़ने के टाइम जब वो उड़ती हैं तो जो आवाज़ निकालती हैं या निकलती है, तो उसको बज कहते हैं.
If ducks quack, what does a hawk? It screams and parrots talk. तो अगर डक डक की क्या आवाज होती है? क्वैक 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 क्वैक. और हॉक की फिर कैसे होगी? तो हॉक तो चिल्लाता है. और तो पैरट्स की क्या टॉक, पैरट्स क्या कैसी आवाज निकालते हैं? तो वो बात करते हैं, है ना. जैसे हम उसको अभी सिखाएंगे मिट्टू, तो कहेगा मिट्टू मिट्टू मिट्टू, ऐसी आवाज निकालते हैं, है ना. तो अब जो डक्स है, इफ डक्स क्वैक व्हाट डज अ हॉक, इट स्क्रीम्स एंड पैरट्स टॉक. हॉक जैसे चील होती है ना, वैसे ही ईगल होती है, उसी तरीके हॉक उससे थोड़ा बड़ा होता है. तो चील भी जैसे चिल्लाने की आवाज निकालती है ना, आ, आ, वैसे ही हॉक भी निकालता है चिल्लाने की आवाज. डॉग्स बार्क एंड पपीज हेल्प व्हेन दे नीड समबडीज हेल्प. तो कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते की आवाज उफ, उफ. और पपीज, तो जब ये जो पपीज होते हैं, कुत्ते के बच्चे होते हैं, ये आवाज ज्यादातर कब निकालते हैं? जब उनको खतरा वगैरह लगता है, तो तब वो ऐसे रोने की आवाज निकालते हैं, ऐसी आवाज निकालते हैं. तो डॉग्स बार्क, जो डॉग्स भोंकता है तो उसको बाग कहते हैं. और पपीज यल्प, तो जो पपीज वो रोने सी आवाज़ निकालते थे उसको यल्प कहते हैं. तो डॉग्स बाग एंड पपीज यल्प व्हेन दे नीड समबडीज हेल्प. तो ये आवाज़ वो तब निकालते हैं जब उनको किसी की मदद की ज़रूरत होती है. नाइटिंगेल सिंग एंड स्वेलोज ट्विटर, स्वैन्स क्राई वाइल मंकीज चैटर. तो नाइटिंगेल जो होती है वो बहुत ही सुंदर बर्ड है, और जितनी वो सुंदर है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर उसका गाना है. वो पूरा बहुत सुरीली आवाज़ में, अगर कहीं बिल्कुल शांति में बैठे और नाइटिंगेल गाए, तो कोई बीमार से बीमार इंसान भी होगा ना, वो भी ठीक हो जाएगा. हमारे अंदर वो अंदर तक वो आवाज़ जाती है, और बहुत ही सुरीली आवाज़ होती है. ऐसी आवाज़ के मुश्किल से हम इंसान उसकी नकल कर पाएंगे, तो बहुत सुरीली आवाज़ होती है. तो स्वेलोज़ एक और जानवर है, स्वेलो, तो उसकी जो आवाज़ होती है उसको ट्विटर कहते हैं. स्वैन्स क्राई वाइल मंकीज चैटर. तो स्वैन जो होती हैं इसको उन्स कहते हैं, तो वो जो आवाज़ निकालते हैं उसको रोने के जैसी आवाज़, तो उनको क्राई ही कहते हैं. और मंकीज चैटर, तो मंकी जो करते हैं ना, उसको जो आवाज़ मंकीज निकालते हैं उसको चैटर कहते हैं. लॉयंस रोर एंड टाइगर्स ग्राउल, कैट्स म्यू वाइल्ड जैकल्स हाउल. तो लाइन तो रोर करता है, कैसी आवाज़ होती है लाइन की? हमने बहुत बार सुनी है टीवी पे, है ना बच्चों, या कई बार हम कहानी सुनते हैं तो हमारी जो दादी या दादू हमें कहानी स्टोरी सुनाते हैं शेर वेर की, तो तब वो आवाज़ भी निकालते हैं ना. कैसे निकालते हैं? तो टाइगर जो होते हैं वो ग्राउल करते हैं, ऐसे रोर करते हैं लॉयंस, और टाइगर्स भी ऐसे सी ही आवाज़ निकालते हैं. और कैट्स क्या करती है? कैट्स की आवाज़ तो हमारी फेवरेट है, और जैकल्स तो ऐसे ही हाउल करते हैं. तो चिल्ड्रन लिस्प एंड आउल्स हूट. तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो जब एक साथ बात करते हैं तो कैसी आवाज़ निकलती हैं, उसको लिस्प कहते हैं. एंड आउल्स हूट, तो आउल्स वो एक हु ऐसी जैसी आवाज़ आउल्स निकालते हैं, तो उसको हूट कहते हैं. हंटर्स एम इज ओनली टू शूट. और जो भाई जो हंटर होता है, जो शिकारी होता है, तो उसका काम ही होता है सिर्फ जानवरों को या बर्ड्स को शूट करना, मारना उनको, उनका शिकार करना. केमल्स ग्रंट एंड एसेस ब्रे. जो केमल्स होते हैं वो जो आवाज़ निकालते हैं उनको, उसको ग्रंट कहते हैं. और जो एसेस वो ब्रे करती हैं, उनकी जो आवाज़ होती है वो ब्रे. एल्फेंट्स ट्रम्पेट वाइल हॉर्सेस ने. तो एल्फेंट जो आवाज़ निकालता है उसको ट्रम्पेट कहते हैं, और जो हॉर्स की आवाज़ होती है वो नेह करता है. कैसे करता है? तो इसको नेह कहते हैं, ये हॉर्स की आवाज़ ऐसी सी होती है. स्नेक्स हिस एंड स्क्वीक्स ए रैट. तो स्नेक की आवाज़, पता नहीं आपने कभी स्नेक
टीवी पे ही देखा होगा या कभी कभार जो स्नेक चार्मर्स होते हैं जो वो सांपों का तमाशा दिखाते हैं उनके पास वो सांप होते हैं, तो कभी कभार अगर आपने उधर सांप देखा हो, या हो सकता है कभी कभार रास्ते में कहीं पर ऐसे बहुत मुश्किल है ऐसे सांप देखना, तो हो सकता है कभी कभार आपने देखा हो, तो स्नेक्स जो आवाज़ करते हैं वो कहते तो ऐसी सी आवाज़ निकलती है स्नेक्स की और रैट्स की चू 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 तो उसको स्क्वीक्स कहते हैं। हम्स ए बी वॉइस स्क्रीम्स अ बैट और बी जो जो बी हम कहते हैं हमिंग बी है ना तो ऐसी सी आवाज़ बी निकालती है और बैट जो करते हैं वो स्क्रीम करते हैं, वो चीखते हैं, बहुत पतली सी चीख निकालते हैं। ब्लीड्स ए गोट एंड कैकल्स ए हैन तो गोट ब्लीड करते हैं, गोट तो हमारे घर में तो हमने देखा होगा कैसे करते हैं और हैन को 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 तो ये हैन करती है, तो हैन की आवाज़ को क्या कहते हैं कैकल्स और गोट की ब्लीड्स। दिस यू गेट फ्रॉम पोइट्स पेन तो अब ये वार साहब जो है गुलाम हसन वार साहब जो है ये कहते हैं यह आपको एक जो शायर की कलम से आपके लिए ये पेश है, ये जो मैंने आपको ये आवाज़ें सिखाई अलग अलग जानवरों की तो ये एक शायर की कलम से मैं आपको ये पेश करता हूँ। तो आप एक और बार फिर से ये पढ़ेंगे। हेलो हेलो डू यू नो क्रोज का एंड कॉक्स क्रो व्हाट वुल्व्स डू कैन यू टेल यस यस दे मेक यल काउज मू एंड पिजन्स कू फ्लाइज बज व्हेन दे मू इफ द क्वैक व्हाट डज अ हॉक इट स्क्रीम्स एंड पैरट्स टॉक डॉग्स बार्क एंड पपीज यल्प व्हेन दे नीड समबडीज हेल्प नाइटिंगेल्स कैन सिंग एंड स्वैलोज ट्विटर स्वैम्स क्राई व्हाइल मंकीज चैटर लायंस रोर एंड टाइगर्स ग्राउल कैट्स म्यू व्हाइल जैकल्स हाउल Children lisp and owls hoot. Hunter's aim is only to shoot. Camels grunt and asses bray. Elephants trumpet while horses neigh. Snakes hiss and squeaks a rat. Hums a bee while screams a bat. Bleats a goat and cackles a hen. This you get from Poet's hen. Poet's pen. To ye thi gulam hasan वार साहब की पॉइंट जो हमने पढ़ी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।